हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम पंजाब के अमृतसर में हैं और हमने गोल्डन टेंपल के दर्शन कर लिए हैं। अब आप अमृतसर आएं और यहां पर एक ऐसी जगह जहां आप ना जाएं तो समझिए आपका अमृतसर टूर कंप्लीट नहीं हुआ है, और वो जगह है जलियांवाला बाग। तो अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग की तरफ। ये कोई मामूली जगह नहीं है, आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। देखिए, हम पहुंच गए जलियांवाला बाग। ये शहीदों की याद में बना हुआ एक मेमोरियल है जो बाग के एंट्रेंस के बाहर है। इसमें आप देखिए कितने सारे चेहरे बने हुए हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी हैं। न जाने कितने लोग यहाँ शहीद हुए थे। उन शहीदों में से कुछ शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनकी पहचान हो पाई थी। के अंदर आपको एक मसाल का सिंबल भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए हेरिटेज स्ट्रीट्स और सामने गोल्डन टेंपल। अब हम जलियांवाला बाग के अंदर चलते हैं। यहाँ पर जाने के लिए कोई भी टिकट नहीं लेनी होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एंट्री सुबह 6:30 बजे से शाम के 7 बजे तक की है। जिस रास्ते से हम अंदर जाने वाले हैं ना, इससे भी इतिहास जुड़ा हुआ है। ये इकलौता रास्ता था अंदर बाग में जाने के लिए, और बाहर आने के लिए भी बस यही एक रास्ता था। और इसी का फ़ायदा जो है ना, वो जनरल डायर ने उठाया था, क्योंकि यहीं से उसने अपनी सेना को अंदर भेजा था। और जो अंदर हमारे लोग थे, वो उनको बाहर आने के लिए कोई और रास्ता बचा नहीं था, क्योंकि दिस वॉज दी ओनली एंट्रेंस एंड एग्जिट एट दैट टाइम। ये देखिए, ये वो एंट्रेंस और एग्जिट कह लीजिए आप उस टाइम का, और ये है पूरा जलियांवाला बाग। ये लगभग 6 से 7 एकड़ में फैला हुआ है, और ये है उस टाइम के पुराने घर जो इसके चारों तरफ हुआ करते थे। अभी जलियांवाला बाग जो है, इसका थोड़ा रिनोवेशन हुआ है मोदी जी के टाइम पे 2021 में। चलिए अभी हम चलते हैं गैलरी नंबर 1 की तरफ। यहाँ स्क्रीन पर हमारी आज़ादी के टाइम से जुड़ी हुई कुछ पिक्चर्स और शॉर्ट्स जो हैं वो प्ले हो रहे हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये प्राचीन उस टाइम का पंजाब है। यहाँ इस गैलरी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक थिएटर है। चलिए देखते हैं। ये लगभग 100 सीटर का स्पेस है यहाँ पर, और एक सामने जो है वो बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, ये देखें। और यहाँ पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो कि चलती रहती है, तो आप जब भी यहाँ विज़िट करें तो इसे ज़रूर देखें। बैसाखी के उस पवित्र दिन मिट्टी उन मासूम लोगों के खून से लाल हो गई थी, जिनको जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से खून दिया था। आज भी उन सैकड़ों लोगों को याद कर सिहरन दौड़ जाती है, जिन्होंने उस दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे काले दिन यहां अपनी आखिरी सांस ली थी। जहां एक ओर बेगुनाहों का संग्राम, मार्शल लॉ के अत्याचार, गुजरांवाला और लाहौर ने अंग्रेजों द्वारा पंजाबियों की हत्या अंग्रेज राज के इतिहास के सबसे काले अध्याय। वहीं दूसरी ओर इन सब ने भारतीयों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी थी। राष्ट्रवाद की भावना खत्म होने के बजाय और अधिक सुदृढ़ हुई, और पंजाब और भी ताकत से आंदोलन पर उतर आया।
अधिकारी, नौजवान भारत सभा और अन्य राष्ट्रवादी वीरता से आजादी पाने के लिए लड़े। भारतीय तिरंगा 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में फहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत प्रोत करता रहेगा। यहाँ इस वॉल पर हमारे जो क्रांतिकारी थे उनकी फोटो और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं। जलियांवाला बाग में जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत होती है रॉलेट एक्ट से, जो कि अंग्रेजों ने पास किया था। इसे भारतीय काला कानून भी कहते थे, जिसके तहत अंग्रेज कभी भी किसी भी भारतीय को डिटेन कर सकते थे, उसकी जांच कर सकते थे और उसे जेल में डाल सकते, जिसका पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत आक्रोश था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, सभी लोग बड़े खुशियों से इस त्योहार को मना रहे थे। इस बाग में भी सभी लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें बूढ़े बच्चे औरतें जवान सभी लोग थे, सभी बैसाखी मना रहे थे और यहाँ एक सभा भी रखी गई थी रॉलेट एक्ट और जिन लोगों को कैद किया था उनके लिए। और इस सभा की खबर जनरल डायर को पड़ गई और उसने इस मौके का फायदा उठा के इस जगह पर बहुत सारे सैनिक भेज दिए और जो ओनली एंट्रेंस और एग्जिट था उस टाइम पर, वहां पर सारे सैनिकों ने वहां से अंदर आकर नॉनस्टॉप फायरिंग की। लगभग 1650 राउंड्स ऑफ फायरिंग यहां पर हुई। ऐसे कहते हैं कि इस बाग में उस दिन 20,000 से 25,000 लोग थे और जो नॉनस्टॉप फायरिंग हुई उससे जान बचाने के लिए बहुत सारे लोग, औरतें बच्चे इस कुएं में कूद गए और एक के ऊपर एक इतने सारे लोग कूदे कि उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। इसीलिए इस कुएं को अब शहीदी कुआं भी कहते हैं। और इसमें से इस कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। सच में ये कुआं बहुत ही गहरा है, इसमें जो भी गिरा होगा उसका बच पाना मुश्किल है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े और इस कुएं में से 120 मृतक शरीर निकाले गए। ये वो दीवारें हैं जो गवाह हैं उस फायरिंग की। यहाँ पर आज भी गोलियों के निशान बने हुए हैं। ये जो आपको व्हाइट कलर से स्क्वायर दिख रहे होंगे ये सारे उन गोलियों के निशान हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बाग की जो बाउंड्री वॉल थी ना उसको क्रॉस करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ क्योंकि ये वॉल्स ऊंची थी और क्रॉस करते टाइम ही इतनी ज़्यादा नॉनस्टॉप फायरिंग हो रही थी ना कि बहुत ही कम लोग अपनी जान बचा पाए। और कुछ लोग जो खुद नहीं कूद पाए उन्होंने तो अपने बच्चों को भी इन बाउंड्री से बाहर की तरफ फेंका ताकि उनकी जान बच सके, और उनमें से एक की जान सच में बची हुई है और उन्होंने इस बारे में एक इंटरव्यू भी दिया हुआ है, वो आप चाहें तो नेट पे सर्च कर सकते हैं। ये जो सामने आपको मेमोरियल या स्मारक दिख रहा है ये उन्हीं शहीदों की याद में बनाया गया है और
इसके राइट साइड में हमेशा एक अमर ज्योति जलती रहती है उन शहीदों की याद में। हम जिस गैलरी में जाएंगे वहां पर हमें इन सारी चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए पंजाब में जो भी क्रूरताएं हुई उसके बारे में लिखा हुआ है। आयरलैंड में जो यहाँ जनसंहार हुआ था ना उसकी निंदा हुई। जनसंहार की जो खबर है, जो मैसेकर यहाँ हुआ उसकी जो खबर है वो पूरे देश में फैल गई थी। और डायर को ना बरी कर दिया गया था। एक कमिटी सेट हुई थी, हंटर कमिटी, उसने डायर को फ्री कर दिया और उसने सिर्फ इंडिया में रहने से मना किया। यहाँ सर्विस नहीं कर सकता था बट वो फॉरेन में कर सकता था। ये देखिए डायर को बरी किया गया था। ये जनरल डायर और कुछ वो डिस्कशंस जो कमिटी के उसके साथ हुए थे। ये है वो हंटर कमिटी जिसने उसके जो भी उसने किया था उसको सही ठहराया था। बट एक रिपोर्ट निकली थी, मालवीय रिपोर्ट, उसने डायर के जो भी जो उसका डिसीजन था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये देखिए एक और दीवार जो यहाँ पर जनसंहार हुआ था, जो मैसेकर, उसकी गवाह। इतने बड़े निशान हैं, आप सोचिए। ऐसे कहते हैं कि 3 इंच तक के बुलेट होते थे जिससे बचना नामुमकिन था। तो उस टाइम की अंग्रेजी गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिस्कशंस के बाद, पहले तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे बट बहुत बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 379 लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है। बट ये उन्होंने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था, अनऑफिशियली तो हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ये सब देखने के बाद तो हम इतना ही कह सकते हैं कि आज़ादी इतनी भी सस्ती नहीं थी। हमारे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोग शहीद हुए, तब जाके हम आज इस आज़ाद भारत में सांसें ले रहे हैं। तो आपको जब जहां मौका मिले हमारे शहीदों को याद करने का, उन्हें ज़रूर याद करें, उन्हें दिल से धन्यवाद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें। तो अब समय आ गया है इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का और इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं बाघा बॉर्डर। तो अगर आप हमारे साथ इस जर्नी पर बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।